चलो तो ये हमारा चौथा वीडियो है, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि स्प्राइट एक्चुअल हम लोग ने देख लिया था, बाकी सब फंक्शनैलिटी एक दे दी थी। अब हम लोग ना कस्टम कंट्रोल्स डालेंगे, है ना। तो उसके लिए मैं, ये तो डब्बे टाइप से दिख रहा है, एकदम बेकार दिख रहा है। मैं इसकी जगह मैं एक असली प्लेयर डालता हूँ, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसी इमेज कुछ ओपन होगी। अब इसमें यहाँ होता है एनिमेशन फ्रेम्स। तो अभी हम लोग बेसिकली एनिमेशन सीख रहे हैं, एनिमेशन वॉकिंग होता है, आइडल स्टेट में क्या एनिमेशन होना चाहिए, अटैक में क्या एनिमेशन होना चाहिए, जंप में क्या एनिमेशन होना चाहिए, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो आज हम लोग ये डब्बे को तो मैं डिलीट कर दूँ, अच्छा डिलीट नहीं कर सकते, एक पहले इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फ्रेम्स तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये एक ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम फ्रेम्स। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, इम्पोर्ट फ्रॉम स्प्राइट स्ट्रिप और एक इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल्स। तो हम लोग फाइल्स यूज़ करेंगे और ये स्प्राइट स्ट्रिप से भी इम्पोर्ट होता है, ये मैं बाद में बताऊँगा जब हम लोग एक एनिमी डालेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग फाइल्स से ओपन करते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल्स। तो इस फाइल से हम लोग, चलो ये चार उठा लेता हूँ मैं, वॉक के एनिमेशन पड़े हैं मेरे पास, तो ये मैंने चार डाल दिए। अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, अभी डिलीट हो गया है, ठीक है। तो अब ये सही है ना। अब ये जो है ना एनिमेशन, यहाँ पे हम लोग इसको कुछ नाम दे सकते हैं, तो इसको क्यों ना मैं दे दूँ WALK वॉक, ठीक है। एक और नया फोल्डर हम लोग बनाते हैं, तो ऐड फोल्डर नहीं एनिमेशन, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ IDEL आइडल। चलो आइडल में कौन सा होगा, एक तो वॉक एक आइडल, ठीक है। अब आइडल में इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट फ्रेम्स, इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल्स एंड लेट अस सी कि उसके लिए मेरे पास क्या है। अच्छा आइडल के लिए है मेरे पास दो ही ठोक है, देखेंगे हम लोग। अभी के लिए मैं इम्पोर्ट कैसे कराते हैं हम लोग दिखाऊंगा, उसके बाद एनिमेशन कैसे सेट करते हैं। ये जीरो वाले फ्रेम को डिलीट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। एक और फोल्डर हम लोग बनाएंगे एनिमेशन का, इसको मैं देते जाऊँ जंप। बेसिकली तीन ही होते हैं बेसिक किसी भी गेम में, एक और फोल्डर बन सकता है एक अटैक का, तो अटैक का मैं बाद में बताऊंगा, अभी के लिए हम लोग तीन ही रखते हैं सिर्फ। तो वैसे ही सिंपल ऐड फ्रॉम फाइल्स, और ऐड फ्रॉम फाइल्स के ये जंप, अच्छा ये हो गया जंप का, ओपन इट, ओके। ये जीरो वाले फ्रेम को मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना। चलो अब जो हम लोग को समझना है वो है कि अगर हम लोग जब एनिमेशन चलाते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ये वॉक, सपोज करो कि एक प्लेयर चल रहा है, ठीक है, एक प्लेयर चल रहा है और एनिमेशन चल रहा है, अगर और हम लोग का एनिमेशन ख़त्म हो गया। हमारे एनिमेशन में देखो सिर्फ चार फ्रेम है, ये चार अगर एनिमेशन ख़त्म हो गया पर हम लोग राइट की प्रेस किए हुए हैं और हम चाहते हैं कि एनिमेशन कंटिन्यू हो, तो हम लोग चाहते हैं कि एनिमेशन जो है ना ये वॉक का एनिमेशन है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, दिख रही हैं आपको, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लूप नो लिखा हुआ है, तो मेरे को इसको यस करना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा ये वॉकिंग एनिमेशन कंटिन्यूसली रिपीट होता जाए, ठीक है। इसकी स्पीड देख लो आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड से हम लोग देखेंगे, अगर अच्छा नहीं दिखेगा तो स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे, स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मून वॉक कर रहा है हाँ ऐसा लगेगा, सही में हो सकता है, ठीक है। तो अब आप बताओ कि आइडल को हम लोग को लूप रखना चाहिए, आइडल को देखते हैं, नहीं आइडल रखना चाहिए, हाँ आइडल भी रहेगा क्योंकि आइडल स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि हमारा ये कंटिन्यूसली रिपीट हो, है ना। आइडल स्टेट में ये लूप हम लोग रखना चाहेंगे, है ना, क्या रखना चाहेंगे, हाँ आइडल स्टेट, हाँ बिल्कुल आइडल स्टेट में भी ये लूप कंटिन्यूसली होगा। अच्छा पर जंप पे, अब जंप तो हम लोग को एक ही बार कराना है, दुनिया बार बार जंप तो नहीं करते रहेगा, तो जंप के लिए नो सही है। चलो एक बार हम लोग वॉक वाले को ना प्रीव्यू करके देखते हैं, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो ये आता है एक प्रीव्यू का ऑप्शन, देखो ये देखो वैसे ये कंटिन्यूस चलते जा रहे हैं, अगर मैं नो रखा रहता ना ये स्टॉप हो जाता। देखो अब जैसे कि ये है आइडल, ओ जी जंप मैंने नो रखा था, ये मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, मैं प्रीव्यू किया तो देखो जंप रुक गया, दिखा भी नहीं, है ना। तो ये अभी के लिए तो ऐसा घटिया दिखा, फिर से एक बार करता हूँ, ठीक है। ये प्रीव्यू देखना एकदम फास्ट होगा प्रोसेस, इतना फास्ट हुआ कि दिखा ही नहीं, है ना। और इसमें हम लोग को और भी बहुत सारी चीज़ें समझना है,
अभी के लिए मैं सिंपल रख रहा हूँ वीडियो को। ये एनिमेशंस हैं। अब इसमें ना कुछ होता है, एक ओरिजिन ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन सेंटर में ही रखना। अभी के लिए सेंटर में रखना, मैं बाद में बताऊंगा ओरिजिन को डिटेल में। और ये होता है पॉलीगॉन, देखो ये बॉक्स। कोई भी हम लोग से चीज़ टकराएगी ना, तो इतने के अंदर में जो टकराएगी ना, वो उस पर असर पड़ेगा। आप कैसे कोई एनिमी मार रहे हैं या कोई बॉक्स से टकरा गए, तो ये इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। पॉलीगॉन अगर इसको थोड़ा और अंदर करना है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मतलब एक बाउंडिंग बॉक्स है, ये एक प्लेयर बॉक्स के अंदर कैद है ना। तब जो हमारा ब्लू बॉक्स था ना, बनाया था है ना। तो हम लोग अभी के लिए इसको कर देता हूँ मैं कैंसर है ना। और अरे इसकी साइज तो मैं बताया था, हम लोग बढ़ा सकते हैं। और हम लोग दूसरे वीडियो में देखते हैं कि इवेंट शीट बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।